हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। और सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम यूजर के द्वारा 50 नंबर एंटर करवाएंगे और फिर उसका सम होकर आ जाए, ये एरे की मदद से करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिंपल है, यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं सबसे पहला काम। ये एम्प्टी फाइल लेने के बाद यहाँ पर हमें हेडर फाइल लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर फाइल लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी इसमें। फिर एंटर करके नीचे आता हूं, यहां मेन फंक्शन बना लेता हूं। तो यहां मैंने लिख दिया मेन, ठीक है। और फिर यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। यहां पर करना क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप लेना है और यहां पर हमें ए नाम का एक वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। और ए में चूंकि एरे है तो इसमें 50 तक स्टोर हो सके। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 51 नंबर कुल मिला के स्टोर होंगे इसमें, ठीक है। और यहां पर एक वेरिएबल सम नाम से बना लेता हूं, ठीक है, जिसमें इनिशियलाइज कर देता हूं 0। और इनिशियलाइजेशन के बाद हमें क्या करना है, आई नाम से एक वेरिएबल और बना लेना है, ठीक है, लूप चलाने के लिए। तो ये तीन वेरिएबल हमने बना लिए हैं, ये कॉमा देंगे इसके बाद, और आई नाम से एक वेरिएबल। अब यहां पे खत्म हो गया, तो यहां पर अब टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहां पर मैं सीधा सीधा लिखता हूं प्रिंटएफ, क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा ये डिसाइड होता है प्रिंटएफ से। तो ये प्रिंटएफ लिख दिया हमने। प्रिंटएफ लिखने के बाद यहां पे मैं दे देता हूं एंटर द नंबर्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने एंटर द नंबर्स। तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये चीज प्रिंट होकर आएगी। अब करना क्या है, अब यहां पे फॉर लूप लगा लेता हूं, ठीक है। यहां पे लगाऊंगा लूप, रेपिटेशन के लिए लूप लगाया जाता है, आपको मालूम ही है। और आई चूंकि बताया था मैंने लूप चलाने के लिए मैंने बनाया है, तो आई इज इक्वल टू 0, यानी आई में इनिशियलाइज कर लिया 0। आई इज लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 49 टाइम चला रहा हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो हमको केवल 50 नंबर ही स्टोर कराना है, 51 नहीं स्टोर कराना। तो यहां पे इसे दे दिया, और देने के बाद क्या करना है, यहां पर आई को इंक्रीमेंट कर देता हूं। तो आई प्लस प्लस का मतलब आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, ठीक है। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लेते हैं, और फिर यहां पे अब स्कैनफ देता हूं, क्योंकि यूजर एंटर करेगा दैट्स व्हाई स्कैनफ देना जरूरी। तो ये स्कैनफ दे दिया, और यहां पर क्या देना है, परसेंट डी देना है। तो परसेंट डी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इंटीजर लिया है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी, ये दे दिया। और फिर यहां पे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए दे दिया, और यहां पर आई में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसको क्लोज करके और यहां से टर्मिनेट कर दिया मैंने, और टर्मिनेट करने के बाद फिर यहां पे देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, ठीक है, ये हमने दे दिया इस तरीके से, ठीक है। और अब ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया और एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहां पे लगाएंगे प्रिंटएफ, ये लिखा मैंने प्रिंटएफ। अब ये चूंकि इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सम होता चला जाए, पहले सम में 0 स्टोर है, फिर सम में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो 1 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सम इज परसेंट डी, ये लिख दिया मैंने, कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद यहां पे इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। अब ये प्रोग्राम बन गया हमारा। अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार, यहां से सेव कर रहा हूं। इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, और यहां पर इसे नाम दे देता हूं सम डॉट सी, डॉट सी लगाना जरूरी, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब यहां बिल्ड पे चल के कंपाइल करवा लेते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। कंपाइल्ड हो गया, अब इसको एक बार रन करवा लेते हैं यहां से। यहां पे रन करवाने पे आ रहा है एंटर नंबर्स, तो यहां पे नंबर एंटर करते हैं। पहले 1 एंटर किया, फिर 2 एंटर किया, फिर 3, फिर 4, 50 नंबर काउंट कीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। तो ये कुल मिलाकर 50 टाइम एंटर किया और इसका सम होके आ गया, यहां पे देख सकते हैं 475, ठीक है, यहां पे देख लीजिए 475 सम होके आया है। इसको दोबारा से रन करवा देता हूं एक बार,
देखिए अब मैं केवल क्या करता हूं 1 को लेता हूं, ठीक है, 1 को अगर 50 टाइम मैं लूंगा तो यहां पे 50 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 50 आ चुका है, यानी 1-1 ही मैंने किया था तो ये 50 आ चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।